हिंदू राष्ट्र बनेगा तो राम राज्य आएगा। बाबा बागेश्वर ने कहा कि सबको नौकरी मिलेगी, सारे काम होंगे। भाई बागा क्या उन्हें तो नहीं पता, बाबा बागेश्वर को तो, बागेश्वर धाम को तो अभी पीछे से खड़ा चल रहा था वो जो अब हम तो चिट्ठी चिट्ठी पर लिख के एक मीडिया शायद आपने देखी भी होगी, वीडियो दिखाई थी उसकी, आकाश दिखाओ अगे एक जादूगर का खेल दिखा था उसमें रेडियो क्यों बोल ली थी इसके जो आवाज बची जाओ जा कन्नों में। हाँ, बाबा बागेश्वर पे क्या कह रहे? बाबा मैं सुनता भी ना मैं सुनू से जिंदगी में अपनी मतलब बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूँ। बाबा साहब को मानते हो कि बागेश्वर बाबा? बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हो, बागेश्वर तो फ्रॉड है। बागेश्वर किस देश का आदमी है हमें आज तक ये नहीं पता लगा है। देश का बागेश्वर किस देश का नागरिक है? भारत के नागरिक है, हम तो कह नहीं सकते ना क्योंकि वो भारत की बात करते नहीं है। बस इतना चमत्कार कर रहे हो लोग उनकी पूजा कर रहे हैं लाखों। भाई वो तो सिर्फ ड्रामा है, वो जो चमत्कार होना है वो उसी जो चमत्कार करे ना, जो चमत्कार करते हैं वो इशारा देकर बुलाता है, वो उसी का आदमी होता है। चमत्कार हो रहे हैं हिंदू राष्ट्र के बाबा बागेश्वर वाले कह रहे हैं। कदम है चमत्कार कुछ नहीं है। और रही हिंदू राष्ट्र की बात, जब तक हम है भीम आर्मी भारत एकता मिशन और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी है तब तक हम चाहे कुछ भी हो जा लेकिन हम हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। ये दो चीज है क्योंकि हिंदू राष्ट्र के अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन बाबा साहब ने संविधान में हमें अधिकार दिए हैं कि जो राजा बनेगा वो आपकी वोट से बनेगा। बाबा साहब ने कहा है कि जो राजा बनेगा वो आपकी वोट से बनेगा। तो उसमें जैसे कह रहे हैं कि भारत बदल दो, इंडिया का नाम कर दो, ये सब कह रहे हैं कि देखिए ये हिंदू राष्ट्र की तरफ देश जा रहा है, एक देश एक कानून, एक देश एक संविधान, भारत बना दो, इंडिया का नाम बदल दो। लोग कह रहे हैं भारत ऐसे धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। ये तो तैयारी में है, ये तैयारी में है कि कब हम संविधान बदले, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देने के बिल्कुल भी। क्यों आपने सुना है इंडिया का नाम भारत करने की बातें हो रही है? सुना भाई हमने। इस तरह पे क्या विचार है भाई? होना नहीं चाहिए, अगर ये करेंगे ना तो पहले तो इंग्लिश मीडियम स्कूल सब खत्म करो, हिंदी मीडियम बनाओ, तब करना चाहिए उन्हें। क्यों जो पिछड़ा वर्ग है जैसे आप लोग हो, इस पर कहीं ना कहीं अत्याचार होते हैं, क्या ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात रहती है कभी क्षेत्र में? ना भाई ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे दंगों की बात होती है, दंगे हुए में बात में दंगे हुए अभी, उसमें कुछ रहता है कि कहीं शोषण वगैरह की बात? अब तक ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे सहारनपुर जिले में, आपके समाज में, सिर्फ यहाँ नहीं और जगह भी नहीं, हमारे समाज में कोई मतलब नहीं है। अच्छा बताओ, जैसे हिंदू राष्ट्र की बात चली, अब हिंदू की बात चली गई तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो समझो कि हम लोग पाप है। ये कैसे कह सकते हो तुम? इसका आप लिखवा लो, क्या कैसे क्या होगा? चमान लो बन गया तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? हम लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी? बात सुनी जा रही? नहीं सुनी जा रही, बात भी नहीं सुनी जा रही। कैसे पता कि हिंदू राष्ट्र बने तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी ना, हम लोगों को पता है। पहले भी मतलब पहले भी भविष्य में मतलब छोटे 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 राजा थे, आपको बता रहे हम, तो क्या था, समाज था, अनपढ़ था, इन लोगों के दबाया जाता, हाथ खड़े कर दिया भाई कौन बनेगा, अगर राजा लंडा राजा बनेगा, ठीक हाथ खड़े कर दिए, अनपढ़ समाज था के काम पर लगा रही है सबको हिंदू राष्ट्र वाली जो बात है। धर्म हमें खाने को थोड़ा देता था भाई, बच्चों की तो खाना चाहिए, एजुकेशन चाहिए। अभी तो मैं कह रहा हूँ रोजगार रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, ऊपर तक छीनना क्या का रोजगार हम कह रहे हम झूठ बोल ले थोड़ा ही, मेरे पे एक लेटर छपे हुए सर मोहर लगी हुई है सरकार की, उसकी भी प्राइवेट सेक्टर की भी, सरकार खाना दे रही प्राइमरी स्कूलों में दे रही, बच्चे रुक गए। चलो कह रहे बीजेपी ईवीएम से चुनाव जीत रही है, आपको लगता है ऐसा सिस्टम चल? बिल्कुल ऐसे चल रहा, ऐसे चल रहा, बैलेट पेपर तक करवाना चाहिए इलेक्शन, फिर कैसे जीतेंगे आपके चंद्रशेखर जी अगर ईवीएम से चुनाव होता रहा? अभी तो चंद्रशेखर को टाइम लगेगा, टाइम लगेगा अभी। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, अगर मैं यूं मैं अगर पार्टी बनाऊं तो मुझे अगर दो वोट मिला ना तो कम से कम दो आदमियों ने ये स्वीकार किया कि मेरी भी पार्टी है। हमें यहाँ पे रामपुर में चंद्रशेखर भाई को 7,500 वोट मिले, मतलब 7,500 लोगों ने ये कबूल किया कि चंद्रशेखर भाई की भी पार्टी है। स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है भाई साहब। आने वाले टाइम में चंद्रशेखर, हाँ चंद्रशेखर, सारे युवा चंद्रशेखर की जय बोलोगे क्या? और मोदी जी के बारे में तो छोटी है भाई, अपना मैटर भाई जी, मोदी ने हमारा काम नहीं करवा, मोदी का क्या मतलब? क्या मतलब यहाँ काम नहीं करवाया मोदी का है? ना तो हमारा यू बनवा, राशन नहीं मिल रहा है? राशन मिल रहा है ना? राशन मिल रहा, राशन मिल रहा था, ये तो कांग्रेस देन है, राशन तो फ्री दे रहे हैं मोदी जी तो, फ्री कांग्रेस की जेब से कट रहा है ना, जेब से कट रहा है ना भाई। एक काम आपने फ्री करा गैस गैस दिया कर रहे टेस्ट हमारे पे लग रहा है, करता है अब इन्हें तो तब लगागा ना पता, इन्हें थोड़ी पता, ये तो अनपढ़ है, हमें पता है ना, ये जो सल्ट पैर रखी ना इस भाई ने, इस पर 14% जीएसटी कट रही, जब सरकार चल रही सरकार कहाँ कमान जा रही बताओ, दिहाड़ी कर रही बताओ आप ही। चलो